तो दोस्तों स्वागत है आप सबका ज्योग्राफी के इस वीडियो सीरीज़ में। अभी ज्योग्राफी में हमने बेसिकली पढ़ा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में हमने बेसिकली नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने नॉर्थ गंगा प्लेन्स के बारे में पढ़ा। तो आज हम थर्ड फिजियोग्राफिक यूनिट और फीचर स्टार्ट करने वाले इंडिया का, जिसका नाम क्या रहेगा, जिसका नाम रहेगा आपका दी आइलैंड्स। कौन सा? दी आइलैंड्स। दी आइलैंड्स करने से पहले दोस्तों हम थोड़ा सा लोकेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि लोकेशन कैसी है। देखो बोलते हैं देयर आर टू मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया, ठीक है। अगर मैं ये इंडिया बना रहा हूं, ये मैं पेनिनसुलर पार्ट बना रहा हूं, राइट। तो बोलते हैं टू मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आपको इंडिया में मिलेगी। एक आपको अरेबियन सी में जो आइलैंड मिलेगा, अरेबियन सी में जो आइलैंड मिलेगा उसका नाम है क्या? लक्षद्वीप। क्या नाम है उसका? लक्षद्वीप। क्या नाम है दोस्तों? लक्षद्वीप। और जो आपको बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड मिलेगा, बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड मिलेगा उसका नाम क्या है दोस्तों? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्या नाम है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्लियर हो गया दोस्तों? कोई टेंशन तो नहीं है। अगर आपको सिंपल है, एक बात है, मैंने क्या बोला, दो दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। एक मेजर ग्रुप है जो आपका लक्षद्वीप जो अरेबियन सी में मिलता है, एक मिलता है अंडमान निकोबार जो बे ऑफ बंगाल मिलता है। लक्षद्वीप इज एन एग्जांपल ऑफ कोरल आइलैंड, ठीक है। क्या एग्जांपल है ये? कोरल आइलैंड्स की। दोस्तों आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको जानने की जरूरत नहीं है कोरल आइलैंड्स क्या है। बहुत बहुत सिंपल है, आपको सिंपल रखना है कि लक्षद्वीप इज एन एग्जांपल ऑफ कोरल आइलैंड। बाकी आप कुछ अच्छा बनाता कौन है तो सी ऑर्गेनिज्म याद रखना, पॉलिप्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं? पॉलिप्स। इसके अलावा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये एक सी ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया हुआ आइलैंड होता है कोरल आइलैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिप्स ऑर्गेनिज्म को। और जो आपका आ गया जी कौन सा? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार इज एन एग्जांपल ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड। किसकी एग्जांपल है? वॉल्केनिक आइलैंड। किसकी एग्जांपल है जी? वॉल्केनिक आइलैंड। तो समझ आ गया मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? टू मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड, वन विच इज एन एग्जांपल ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड इज अंडमान निकोबार, वन विच इज एन एग्जांपल ऑफ कोरल आइलैंड इज लक्षद्वीप आइलैंड। कहां पे? अरेबियन सी में। अब चलते हम अपने वापस नोट्स में। देखिए हमने यही पढ़ा कुछ है ना, तो इसमें हमने क्या किया? देखो वॉल्केनिक आइलैंड लिख लिया। अब बोलते हैं जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, जो क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये डिवाइडेड है टू आइलैंड्स में। किसमें? ये दो ग्रुप से बना हुआ अंडमान निकोबार। वापस हम चलते हैं बोर्ड में देख लेते हैं, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। हमने बोला अंडमान निकोबार जो इंटायर ग्रुप है अंडमान आइलैंड का, उसको हमने डिवाइड किया टू आइलैंड्स में। जो अंडमान है वो नॉर्थ में है, जो निकोबार है वो साउथ में है, और इन दोनों को एक वाटर बॉडी सेपरेट कर रही है। उस वाटर बॉडी का नाम क्या है? 10 डिग्री चैनल। दोस्तों याद रहेगा, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा, आपको मैं अच्छे से समझा दूं। अगर हम थोड़ा सा ये बनाते हैं तो हम पहले अंडमान निकोबार की बात करेंगे। बोले अंडमान निकोबार ये दो ग्रुप ऑफ आइलैंड से बने, एक है ऊपर वाला अंडमान। अंडमान कहां है? नॉर्थ में। और निकोबार कहां है? साउथ में। निकोबार कहां है? साउथ में। और इनके बीच में से एक चैनल है, एक वाटर बॉडी है, जिस चैनल को हमने क्या बोला है? 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है उसका? 10 डिग्री चैनल। अगर ये दो लैंड हैं, दो क्या है? लैंड। बीच में पानी तो सेपरेट कर रहा है, जो वाटर बॉडी दो लैंड मास को सेपरेट करे उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। और यहां पे जो चैनल है जो दो वाटर बॉडी को सेपरेट कर रहा है उसका नाम क्या रखा है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार आइलैंड। क्लियर? चलते हैं आगे। अब दोस्तों फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा फिर हमने बोला कि जो अंडमान ग्रुप है, मतलब जो नॉर्थ वाला ग्रुप है, उसको हमने चार मेजर आइलैंड्स में क्या किया है? डिवाइड किया। अंडमान ग्रुप को हमने चार मेजर, सबसे नॉर्थ में क्या आता है? नॉर्थ अंडमान, फिर मिडल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, वापस रिपीट करूं, थोड़ा जूम करते हैं इसको ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। दिख रहा है जी अच्छे से? चलिए, मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो आपका अंडमान ग्रुप है, सिर्फ अंडमान निकोबार नहीं, वो चार आइलैंड्स में डिवाइडेड है,
सबसे नॉर्थ में है, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे तो सबसे ऊपर आएगा नॉर्थ अंडमान, फिर मिडल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। क्लियर हो गया, समझ गए। चलते हैं वापस, आपको थोड़ा सा फिगर बना के दिखाते हैं ताकि आपको और ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। चलिए जी, मैंने बोला जो अंडमान ग्रुप है, सिर्फ अंडमान ग्रुप, इट इज डिवाइडेड इनटू फोर आइलैंड्स। तो अगर नॉर्थ से साउथ इनको अरेंज करेंगे, सबसे नॉर्थ में नॉर्थ अंडमान, कौन सा है, नॉर्थ अंडमान, फिर मिडल अंडमान, फिर साउथ आएगा, लिटिल नहीं आएगा, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर क्या आएगा, साउथ अंडमान, क्या आएगा जी, साउथ अंडमान, और फिर क्या आएगा दोस्तों, लिटिल अंडमान। बच्चा बोलते हैं साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को एक वाटर बॉडी सेपरेट करती है, उसका नाम है डंकन पैसेज। क्या नाम है, डंकन पैसेज। डंकन के स्पेलिंग दिख रहे हैं अच्छे से, DUNCAN, डंकन पैसेज सेपरेट्स साउथ अंडमान फ्रॉम लिटिल अंडमान। क्लियर हो गया दोस्तों, क्या बोल रहा हूं मैं कि डंकन पैसेज क्या करता है, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से सेपरेट करता है। क्लियर है, अब फिर चलते हैं पीछे की ओर। यस, अब फिर बोलते हैं जो निकोबार ग्रुप है, कौन सा जी, निकोबार को जो ग्रुप है वो डिवाइडेड है, नॉर्थ से साउथ देखोगे तो उसको हमने डिवाइड किया है तीन आइलैंड्स में, ठीक है, उसको डिवाइड किया तीन, सबसे ऊपर आता है कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर आता है ग्रेट निकोबार। चलते हैं डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं, डायग्राम बना के, कि अगर ये निकोबार ग्रुप है तो निकोबार ग्रुप किसमें डिवाइडेड है, तीन आइलैंड में, सबसे नॉर्थ में कार निकोबार, सॉरी कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, कौन सा, लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार, क्या दोस्तों, ग्रेट निकोबार। बच्चा कोई क्वेश्चन आ जाए आपको याद है, ग्रेट निकोबार इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, क्या है जी, सदर्न मोस्ट आइलैंड है कहां का, ऑफ इंडिया का। क्लियर दोस्तों, कोई टेंशन तो नहीं, चलें आगे। हां, अब वापस चलते हैं हम अपने पीछे जो पीडीएफ है उसमें, अब इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है दोस्तों, यही चीज तो है याद रखने वाली। पहले तो मैं देखूं आपको दिख रहा है अच्छे से, और जूम करते हैं इसको ताकि आपको और अच्छे से दिखे, मजे से दिख रहा है दोस्तों आप, यस अब आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। अब जो अंडमान ग्रुप में पढ़ता हूं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको नहीं भूलना। जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, जो मिडल अंडमान है वो बिगेस्ट आइलैंड है किसका, अंडमान ग्रुप का। हमने पढ़ा नॉर्थ अंडमान, लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान, मिडल अंडमान। मिडल अंडमान क्या है, सबसे बिगेस्ट क्या है, आइलैंड है, सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। सैडल पीक, सैडल पीक जो पूरी अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक है, वो पीक आपको कहां मिलेगी, वो पीक आपको मिलेगी कहां पे, नॉर्थ अंडमान में, दिख गया, नॉर्थ अंडमान में दिख गया। द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार इज सैडल पीक, है कहां पे, अंडमान ग्रुप में, अंडमान ग्रुप में कहां पे, अंडमान ग्रुप में नॉर्थ अंडमान में। क्लियर हो गया, डंकन पैसेज मैंने आपको बता दिया, डंकन पैसेज क्या है, सेपरेट करता है साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से, ये पढ़ लिया था हमने। उसके बाद एक रॉस आइलैंड है दोस्तों, क्या है, रॉस आइलैंड, ये सबसे छोटा आइलैंड है कहां का, अंडमान ग्रुप का। सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, सबसे बड़ा आइलैंड है सैडल, सॉरी मिडल अंडमान, सबसे छोटा आइलैंड कौन सा है, रॉस आइलैंड। क्लियर दोस्तों, कोई टेंशन तो नहीं, पक्का। चलिए अब देखिए, बैरन आइलैंड और नारकोंदम, बच्चा बेसिकली बैरन आइलैंड और नारकोंदम क्या है, अंडमान ग्रुप में आपको मिलते हैं। दीज आर एग्जांपल, बैरन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव वॉल्केनो, नारकोंदम इज एन एग्जांपल ऑफ डॉर्मेंट वॉल्केनो जो अब फट नहीं रहा है। एक्टिव वॉल्केनो वो वॉल्केनो होता है बच्चा जिसका हमें हिस्टोरिक एविडेंस हो कि वो इरप्ट हुआ था और आने वाले टाइम में इरप्ट हो सकता है। डॉर्मेंट वॉल्केनो वो वॉल्केनो होता है जिसमें हमारे पास कोई हिस्टोरिक और हिस्टोरिक इवेंट नहीं है उसका,
या कुछ क्या कहते हैं प्रूफ नहीं है कि वो इरप्ट हुआ था, बट हाँ उसमें इरप्ट होने के क्या है चांसेस हैं, डॉर्मेंट अभी शांत है। तो दो बैरन आइलैंड जो है वो क्या है, बैरन आइलैंड है क्या, एग्जांपल ऑफ एक्टिव वोल्केनो, नारकोंदम आइलैंड एग्जांपल ऑफ व्हाट, डॉर्मेंट वोल्केनो, दोनों कहां के कहां मिलते हैं, अंडमान ग्रुप में मिलते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, कोई टेंशन तो नहीं है, ये था इंपॉर्टेंट इसके बारे में याद रखना। अब हम आ गए कहां पे, निकोबार ग्रुप में पढ़ने के लिए। बच्चा निकोबार ग्रुप में क्या इंपॉर्टेंट है, निकोबार ग्रुप में आप याद रखिएगा कि ग्रेट निकोबार जो है वो सबसे बिगेस्ट क्या है आइलैंड है, किसका, निकोबार ग्रुप का। क्लियर हो गया, कोई टेंशन तो नहीं। इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ग्रेट निकोबार, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का भी, हमने बनाया था ना कि तीन आइलैंड है, क्या है, तीन आइलैंड है, एक आइलैंड आ गया आपका कार निकोबार, कौन सा आ गया, एक आ गया कार निकोबार, एक आ गया लिटल निकोबार, नॉर्थ से साउथ अरेंज कर रहे हैं ना, एक आ गया आपका कौन सा, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार आपका सदर्न मोस्ट आइलैंड है, किसका, ग्रेट निकोबार आपका सदर्न मोस्ट आइलैंड है इंडिया का, और इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम क्या है जी, इंदिरा पॉइंट, जो आपके देश का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट भी है। क्लियर है, समझ गए। अब जो माउंट थूलियर है, क्या माउंट थूलियर कहां पे है जी, ग्रेट निकोबार में, ये हाईएस्ट पीक है किसकी, निकोबार ग्रुप की। वापस क्लियर करते हैं हम, हमने पढ़ा था सैडल पीक, क्या पढ़ा था हमने, सैडल पीक, व्हाट वाज सैडल पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार, लेकिन है कौन से आइलैंड में, ये अंडमान आइलैंड में, अंडमान ग्रुप के कौन से आइलैंड में है, नॉर्थ अंडमान में, याद है। लेकिन अगर आप सिर्फ निकोबार को लोगे तो निकोबार के जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है क्या, माउंट थूलियर, क्या नाम है दोस्तों, माउंट थूलियर, जो कहां पे मिलेगी आपको, ग्रेट निकोबार में मिलेगी। क्लियर हो गया दोस्तों, कोई टेंशन तो नहीं, चलते हम आगे, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है दोस्तों, किसमें याद रखने के लिए, किसमें याद रखने के लिए, आपके अंडमान निकोबार में याद रखने के लिए। अब हम आ रहे हैं दोस्तों किसमें, लक्षद्वीप में, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने पढ़ा था कि लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, कोरल आइलैंड। ये लक्षद्वीप भी क्या है दोस्तों, तीन मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है, तीन मेजर ग्रुप्स, नॉर्थ से साउथ अगर अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा अमन दीवी, कौन सा आएगा, अमन दीवी, दिख रहा है अच्छे से, मिडल में कौन सा आएगा, कैनानोर, कौन सा आएगा, कैनानोर, और सबसे सदर्न मोस्ट कौन सा है, मिनिकॉय आइलैंड, कौन सा है जी, मिनिकॉय आइलैंड, समझ आ गया। नॉर्थ से साउथ अगर हम लक्षद्वीप को अरेंज कर रहे हैं तो सबसे नॉर्थ में कौन आएगा, अमन दीवी, अमन दीवी के साउथ में कौन है, कैनानोर, कैनानोर के साउथ में कौन है, मिनिकॉय। क्लियर हो गया, लक्षद्वीप किसकी एग्जाम्पल है, कोरल आइलैंड की एग्जाम्पल है। चलते हैं दोस्तों आगे, इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं जी, जूम करके इसको यहां लेके आते हैं, ये चीज क्या बात, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको किसके बारे में याद रखने, लक्षद्वीप के बारे में याद रखने। तो लक्षद्वीप के बारे में बच्चा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, अभी आपको दिखाता हूं मैं। ये सबसे पहले कावारती, कावारती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, कावारती कैपिटल लक्षद्वीप के कौन से आइलैंड में है, कैनानोर आइलैंड में है, कौन से आइलैंड में, कैनानोर आइलैंड में। बच्चा एक सवाल जो आपको खुद देखना है, पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार, लेकिन पोर्ट ब्लेयर है कौन से आइलैंड में, ये चेक कीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए, तैयार करिएगा। बच्चा अगाती, अगाती इज नॉट ए एयरपोर्ट, ये एक एयर स्ट्रिप है, सिर्फ स्ट्रिप बनी है, समझिए, जिसमें क्या कहते हैं, एयर लैंड करते हैं, ये एयर स्ट्रिप, सिर्फ एक ही एयर स्ट्रिप आपको जो लक्षद्वीप में मिलेगी वो कहां मिलेगी आपको, कैनानोर आइलैंड में मिलेगी। अच्छा, जो मिनिकॉय जो हमने पढ़ा था वो सबसे लार्जेस्ट और सबसे सदर्न मोस्ट क्या है आइलैंड है किसका, लक्षद्वीप का। बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, एक पानी का नाम है 8 डिग्री चैनल, जो अलग करता है किसको, लक्षद्वीप को मालदीव कंट्री से अलग करता है, और जो 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय को अलग करता है कहां से, रेस्ट ऑफ द आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप से। थोड़ा सा हम इसको इमेज में देखते हैं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मैंने आपको दो चीजें बोली है ना, मैंने आपको दो चीजें बोली, एक मैंने आपको बोला हम थोड़ा सा यहां पे बना लेते हैं, हम सीधा एक काम करते हैं ना,
पहले नॉर्थ से साउथ अरेंज करते हैं। पहले आ गया अमन देवी, फिर आ गया कैननोर, फिर आपका आ गया मिनिकॉय, और मिनिकॉय के नीचे आपको एक आइलैंड कंट्री मिलती है जिसका नाम है क्या, मालदीव्स। क्या नाम है इसका? मालदीव्स। मालदीव्स और लक्षद्वीप को जो वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी में थोड़ा सा रेड कलर में बना देता हूं, ये वाटर बॉडी रेड कलर की जो मालदीव्स को मिनिकॉय मतलब लक्षद्वीप से अलग कर रही है, उस वाटर बॉडी का नाम है क्या? उस वाटर बॉडी का नाम है 8 डिग्री चैनल। क्या नाम है? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स मालदीव्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप, मतलब मालदीव्स फ्रॉम लक्षद्वीप। फिर मिनिकॉय और कैननोर के बीच में एक वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी का नाम क्या रखा है दोस्तों? उस वाटर बॉडी का नाम रखा है 9 डिग्री चैनल। क्या बोला है? 9, इधर मैं लिख देता हूं, ये 9 लिख रहा हूं, 9 डिग्री चैनल, जो सेपरेट करती है मिनिकॉय को फ्रॉम रेस्ट ऑफ द आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी होगी, कोई टेंशन तो नहीं है। चले आगे, ये हमारा एक और फिजियोग्राफिक यूनिट खत्म हो गया जिसका क्या नाम था? द आइलैंड्स। अब चलते हैं हम आगे। अब दोस्तों हम एक और फिजियोग्राफिक यूनिट खत्म करने की कोशिश करेंगे, उस फिजियोग्राफिक यूनिट का नाम है आपका उसका नाम है कोस्टल प्लेन्स। उसका क्या नाम है दोस्तों? कोस्टल प्लेन्स। बच्चा कोस्टल प्लेन्स अच्छे से देखे हैं ना, भूले तो नहीं है कोस्टल प्लेन्स? याद रखना, कोस्टल प्लेन्स भूलने वाली चीजें नहीं है, ठीक है? और जिसने मेरी शुरू की पहली वीडियो नहीं देखी है फिजियोग्राफी में, उसको प्रॉब्लम आएगी कोस्टल प्लेन समझने में, ठीक है? तो आप तैयार रहिएगा उसको अच्छे से देखने के लिए, ठीक है? अब देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स में इंडिया में दो तरीके के कोस्टल प्लेन्स हैं। एक है जो आपका वेस्ट कोस्टल प्लेन, कौन सा? इंडिया में मैंने बोला आपको दो तरीके के कोस्टल प्लेन्स हैं, एक है वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, कौन सा? वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, ठीक है? एक है आपका ईस्ट कोस्टल प्लेन, कौन सा है? ईस्ट कोस्टल प्लेन्स। क्लियर हो गया? वेस्ट कोस्टल प्लेन्स आपके स्टार्ट होते हैं गुजरात से, जाते हैं गुजरात से होते हुए वेस्ट कोस्टल प्लेन्स कहां जाते हैं आपके? यहां कन्याकुमारी तक। और ईस्ट कोस्टल प्लेन्स आपके वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होते हैं, कहां आते हैं? कन्याकुमारी में। यहां पे आके ईस्ट कोस्टल प्लेन और वेस्ट कोस्टल प्लेन कन्याकुमारी में क्या होते हैं? मीट करते हैं। मेरी बात आपको क्लियर होगी? सबसे पहले हम करेंगे किसके बारे में? वेस्ट कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। वेस्ट कोस्टल प्लेन्स में सबसे पहले हम गुजरात कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? गुजरात कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं गुजरात कोस्टल प्लेन। अब पहले तो डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये बोलती है कि वेस्ट कोस्टल प्लेन्स वो एरिया है जो वेस्टर्न घाट्स के, वेस्टर्न घाट से अरेबियन सी के बीच में जो एरिया मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? वेस्ट कोस्टल प्लेन बोलेंगे। और ईस्ट कोस्टल प्लेन्स वो एरिया है जो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो एरिया मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ईस्ट कोस्टल प्लेन। थोड़ा सा देख लें कैसे, चलो देख लेते हैं। आपको तसल्ली होनी चाहिए, इमेजिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो वही तरीका है सबसे ज्यादा अच्छे से करने का। बच्चा बोलते हैं ये है वेस्टर्न घाट्स, क्या है ये जो स्ट्रिप में बना रहा हूं, ये मैं वेस्टर्न घाट्स बना रहा हूं, ठीक है? तो कलर चेंज करते हैं रेड, बोलते हैं ये जो एरिया है, रेड कलर दिख रहा है बच्चा अच्छे से? कोई टेंशन तो नहीं? यस, ये जो एरिया है, दिस एरिया व्हिच इज बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी, है ना? अरेबियन सी के बीच में है ना? अरे यार, जो किसके बीच में? अरेबियन सी के बीच में। इसको हम क्या बोलते हैं? इस एरिया को, रेड लाइन को हम क्या बोलेंगे? वेस्ट कोस्टल प्लेन। और जो यहां पे ईस्टर्न घाट्स हैं, क्या हैं दोस्तों? ईस्टर्न घाट्स, राइट? ईस्टर्न घाट्स हैं। ईस्टर्न घाट्स और
ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में, ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में ये जो ब्लू कलर का क्या है? ये जो ब्लू कलर का जो स्ट्रिप बना है, ये ब्लू कलर का जो एरिया है, ये क्या है दोस्तों? ये क्या है आपका? ईस्ट कोस्टल प्लेन्स। बच्चा ये जो प्लेन एरिया है, दिस प्लेन एरिया इज मैक्सिमम मेड अप बाय, दिस प्लेन एरिया इज मैक्सिमम मेड अप बाय व्हाट? द एक्शन ऑफ रिवर्स, एक्शन ऑफ रिवर्स, स्पेशली आपका ईस्ट कोस्टल प्लेन। अच्छा, ईस्ट कोस्टल प्लेन आपका ब्रॉडर है, क्या है? ब्रॉडर है, बड़ा है इन कंपैरिजन टू वेस्ट कोस्टल प्लेन। वेस्ट कोस्टल प्लेन क्या आपका नैरोअर है, छोटा है इन कंपैरिजन टू व्हाट? ईस्ट कोस्टल प्लेन। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम रिवर्स हैं वो कहां की तरफ फ्लो करती हैं? आपकी मैक्सिमम रिवर फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो ये क्या करती है? पत्थर जमीन को इरोड करती है, उखाड़ती है, अपने साथ मिट्टी लाती है, मिट्टी यहां डिपॉजिट करती है। एरिया क्या हो रहा है? ब्रॉड होता जा रहा है, एरिया बढ़ता हो जा रहा है। आप अपनी सबसे बड़ी बड़ी रिवर्स आप पेनिनसुला के उठा लें, जैसे आप हम आगे पढ़ेंगे भी, जो गोदावरी है, कृष्णा है, आपकी कावेरी है, ये सारी की सारी कहां जाती है? महानदी है, ये सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अपने साथ रेती लेकर यहां पे इस एरिया में डिपॉजिट करके इन्हें क्या कर दिया? प्लेन एरिया को हर दिन क्या कर रही है? बढ़ा रही है, फैला रही है। तभी ये क्या है? ब्रॉडर है, ये नैरो है। यहां पे नदियां बहुत कम चल रही है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन दोस्तों, एक और क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो आप याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आप याद रखना, वेस्ट कोस्टल प्लेन जो है इट इज सबमर्ज्ड प्लेन। क्या है? सबमर्ज्ड प्लेन है, ये डूबा हुआ, ठीक है, पानी में डूबा हुआ। और जो ईस्ट कोस्टल प्लेन है, ईस्ट कोस्टल प्लेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ एमर्जेंस प्लेन, इमर्ज्ड प्लेन, ठीक है, जो रोज रोज पानी से बाहर क्या हो रहा है? इमर्ज हो रहा है, बन रहा है। क्लियर है? बाकी इसमें ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा चलते हैं आपके किस में? वेस्ट कोस्टल प्लेन में। वेस्ट कोस्टल प्लेन में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुजरात कोस्टल प्लेन के बारे में। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? गुजरात कोस्टल प्लेन के बारे में। तो बच्चा गुजरात कोस्टल प्लेन में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हमने पढ़ना है कच्छ पेनिनसुला। बच्चा पेनिनसुला याद है? पेनिनसुला क्या है? वो जमीन जिसके तीन तरफ पानी हो उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, याद है ना? अब यहां पे जो गुजरात कोस्टल प्लेन है उसमें अगर मैं यहां पे गुजरात बनाऊं, ये है ना, तो जो ये है ना, ये जो ये पार्ट, इसको बोलते हैं हम कच्छ पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? कच्छ पेनिनसुला। और ये जो है ना, ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं काठियावाड़ पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ पेनिनसुला। दिख रहा है? अच्छे से समझ आ गया? कच्छ पेनिनसुला कौन सा? ऊपर वाला, नॉर्थ में। काठियावाड़ पेनिनसुला कौन सा है? कौन सा है? काठियावाड़ पेनिनसुला जो साउथ में है, जो बड़े वाला आपको लैंडमार्क दिख रहा है बाहर की तरफ निकला हुआ। अब ये जो वाटर बॉडी, जो मैं व्हाइट कलर की वाटर बॉडी बना रहा हूं, इसके बीच में पानी है ये। इस वाटर बॉडी को दोस्तों क्या बोलते हैं? इस वाटर बॉडी को, इसको मैं मिटा लूं थोड़ी देर, इस वाटर बॉडी को हम बोलते हैं क्या? इस वाटर बॉडी को हम बोलते हैं, इस वाटर बॉडी की बात करो रेड वाली की, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ कच्छ। दिख रहा है आराम से? रेड दिख रहा है ना? गल्फ ऑफ। अच्छा यार, एक काम करते ना, इतना क्यों आपको तकलीफ देनी, सीधा चलते हैं यहां पे, वापस बना देते हैं, क्या टेंशन है? अब मैंने बोला ये क्या है, राइट? ये क्या है? ये है जी आपका कच्छ पेनिनसुला, राइट? कौन सा? कच्छ पेनिनसुला, व्हिच इज पार्ट ऑफ गुजरात कोस्टल प्लेन, ठीक है जी, तभी बता रहा हूं कच्छ पेनिनसुला। ये कौन सा आपका? काठियावाड़ पेनिनसुला। कौन सा दोस्तों? काठियावाड़ पेनिनसुला, राइट? अब जो ये वाटर बॉडी है ना, ये वाटर बॉडी, इस वाटर बॉडी को हम क्या बोलते हैं? इस वाटर बॉडी को हम बोलते हैं जी गल्फ ऑफ कच्छ। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ कच्छ, KACHCHH। क्लियर हो गया? और जो ये वाटर बॉडी है, ये वापस बनाता हूं इसको, ये जो वाटर बॉडी है किसके नीचे? काठियावाड़ पेनिनसुला के नीचे, इसको बोलते हैं क्या? गल्फ ऑफ खंबत। याद रखिए, क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ खंबत। भूलेगा तो नहीं?
कोई टेंशन तो नहीं है, पक्का? चलिए आगे, आप देखिए क्या लिखा है। गुजरात कोस्ट आपका स्टार्ट होता है कहां से? गुजरात कोस्ट आपका स्टार्ट होता है कच्छ पेनिनसुला से। बोलते कच्छ पेनिनसुला के नॉर्थ में एक प्लेन एरिया जो सॉल्ट से भरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं ग्रेट रन। क्या बोलते हैं? ग्रेट रन। क्लियर हो रहा है? अगर मैं सिर्फ क्या बना रहा हूं, कच्छ बना रहा हूं, तो बोलते कच्छ जो है, कच्छ जो है ये जो प्लेन एरिया, ये पूरा किससे बना हुआ है? नमक से, सॉल्ट से, जिसका नाम क्या? ग्रेट रन। आपने सुना होगा रन ऑफ कच्छ, वेरी फेमस फॉर वाइल्ड एस, और इसी रन का कच्छ पूरा वाइट है। आपने एड भी देखी होगी टूरिज्म की जो अमिताभ बच्चन ने की है, मतलब रन कहां पे है? सॉल्ट से भरा हुआ वाइट प्लेन एरिया कच्छ में। और इसी जो ग्रेट रन है, ग्रेट रन के साउथ में हम उसको क्या बोलते हैं प्लेन एरिया को? लिटिल रन। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लेन एरिया को लिटिल रन। क्लियर हो रहा है? कोई टेंशन तो नहीं है? कच्छ पेनिनसुला क्लियर हो गया। अब कच्छ पेनिनसुला के साउथ में क्या है? गुजरात कोस्टल प्लेन में, कच्छ पेनिनसुला के साउथ में आपको क्या मिलेगा दोस्तों? आपको मिलेगा काठियावाड़ पेनिनसुला। क्या मिलेगा? काठियावाड़ पेनिनसुला। कहां लाई करता है? साउथ ऑफ कच्छ पेनिनसुला। काठियावाड़ पेनिनसुला की हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम है माउंट गिरनर, और यहां पे क्या है? माउंट गिरनर किसकी हाईएस्ट पीक है? गिर रेंज की, जी आई आर, गिर रेंज की क्या है? माउंट गिरनर हाईएस्ट पीक है। गिर रेंज क्या बचा? गिर सेंचुरी नेशनल पार्क, किसके लिए फेमस? एशियाटिक लायंस, अगर आपको याद हो। कहां पे है? काठियावाड़ पेनिनसुला। क्लियर हो गया? देखो ये क्या लिखा हुआ, इट इज फेमस फॉर एशियाटिक लायंस। चले हम आगे, क्लियर है? अब बोलते कच्छ पेनिनसुला खत्म हुआ, काठियावाड़ पेनिनसुला खत्म हुआ, तो गुजरात प्लेन, बोलते गुजरात प्लेन किसके ईस्ट में है? अगर यहां पे एक मिनट, अगर ये कच्छ है और ये काठियावाड़ है, तो इसके ईस्ट में जो प्लेन एरिया है उसको बोलते हैं हम गुजरात प्लेन। क्या बोलते हैं? गुजरात प्लेन, व्हिच इज पार्ट ऑफ दोस्तों? गुजरात कोस्टल प्लेन। किसका पार्ट है? गुजरात कोस्टल प्लेन। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ये प्लेन एरिया किस किस रिवर्स ने बनाया। अच्छा बच्चा, प्लेन एरिया रिवर कैसा बनाएगी? अगर ये एक गड्ढा है, ये गड्ढा है, अगर कोई रिवर चल रही है तो मिट्टी लाएगी, मिट्टी डिपॉजिट करते 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 क्या कर देगी? प्लेन एरिया बना देगी। तो बोलते गुजरात प्लेन एरिया किसने बनाया है? नर्मदा नदी ने, तापी नदी ने, माही नदी ने और साबरमती नदी ने, इन चारों नदी ने मिलकर गुजरात प्लेन बनाया, जो किसके ईस्ट में है? कच्छ पेनिनसुला और काठियावाड़ पेनिनसुला के ईस्ट में। एटलस साथ रखिएगा, क्लियर होता जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब आगे चलते हैं। दोस्तों ये यहीं तक रखते हैं हम, क्योंकि आगे इसमें एक पीडीएफ गायब है, ठीक है? तो ये आप यहीं तक रखो, कल मैं आपको वापस इसके साथ ही कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।